दबंग खान यानी कि सलमान खान को लेकर लगातार खबरें ये रहती है कि सलमान खान जो है अपनी आने वाली फिल्मों के लिए, उम्र चाहे बढ़ती ही जा रही हो लेकिन वो अपनी फिल्मों के लिए अपना रुझान ना तो कम होने देते हैं और ना ही अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी फिल्मों के साथ वो किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। यही कारण है कि काफी ज्यादा मुश्किल के वक्त में भी CAA के खिलाफ जब प्रदर्शन पिछले साल के लास्ट महीने यानी कि दिसंबर में चल रही थी, 20 दिसंबर की तारीख को जब सलमान खान की फिल्म भारत देश के हर कोने में रिलीज होने के लिए तैयार थी तो सिनेमा घर में भीड़ भारी भरकम देखने को मिली। 24 करोड़ की कमाई फिल्म ने पहले दिन की। सलमान और सोनाक्षी की जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया लेकिन इसके बावजूद CAA के प्रदर्शन की वजह से सलमान खान की जो फिल्म बड़ी ओपनिंग कर सकती थी, 24 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती थी, वो फिल्म 24 करोड़ की कमाई तक ही पहले दिन रुक गई। ये फिल्म स्ट्रगल अभी भी कर रही है, 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए ये फिल्म अब भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन हाँ, अब जो नई खबर आई है उसके सुनकर सोनाक्षी और सलमान को वाकई में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। सलमान खान और सोनाक्षी जो पति पत्नी बने फिल्म दबंग 3 में तीसरी बार जो कि मिस्टर एंड मिसेस शुलबुल पांडे के रूप में नजर आए, उस पति पत्नी की जोड़ी को पसंद वाकई में किया गया है क्योंकि गुड न्यूज फिल्म चाहे जितनी भी ज्यादा प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाए, सलमान खान का स्टारडम अभी तक बरकरार है। यही कारण है कि तीसरे हफ्ते के फ्राइडे पर भी ये फिल्म करोड़ों की कमाई कर चुकी है। 50 लाख की कमाई ये फिल्म लास्ट मंडे को कर चुकी थी तो ट्विस्डे का रिकॉर्ड सामने आया है और ट्विस्डे का रिकॉर्ड 1 करोड़ कमाई का। इसी के साथ सलमान की दबंग 3 सलमान सोनाक्षी के लिए बड़ी खुशखबरी और भी लाई है। ये फिल्म वाकई में 150 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है ये कहा जा रहा है। अब इसमें क्या पूरा का पूरा मामला है, कैलकुलेशन कैसी है, इस पर हम बात करेंगे हमारे शो में यानी कि दबंग खान स्पेशल में। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम विद बेहद ही स्पेशल एपिसोड। लेटेस्ट एपिसोड में लेटेस्ट खबरों की बात होगी, सलमान से जुड़ी लेटेस्ट सारी खबरें हम आपको देंगे। गुड न्यूज किक ऑफ स्टार्ट कर चुके हैं सलमान खान आने वाली फिल्म की। गुड न्यूज सलमान खान ने अपने परिवार को जो दी है, पापा बनने का जिन्होंने ऐलान किया था रिसेंटली सैरोगेसी के माध्यम से, जो पापा बनने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर पाए वो सलमान खान सोनाक्षी के साथ फिलहाल जश्न के मूड में फिर होने वाले हैं और कैसे, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसे ही सुपरस्टार सलमान खान के घर पर नन्ही आयात का जन्म हुआ, आयाज शर्मा के जन्म से सलमान इतने खुश हुए, इस कदर खुश हुए कि उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि आयात के जन्म पर आप सभी फैंस के लिए बड़ी बधाइयां, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। आयात के जन्म पर सलमान खान ने लास्ट ईयर किया था बड़ा ऐलान, डबल खुशी उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर उनके घर की उनकी भांजी आयात बनी। आयात के जन्म पर सलमान खान ने लिखा, आपके लिए बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग सेल 2 more days के लिए। और तो और इसी के साथ साथ सलमान खान ने आयुष अर्पिता का शुक्रिया अदा भी किया। तो चलिए हम आपको बता दें, बच्चे के जन्म के बाद वाकई में सलमान खान की खुशी दोगुनी इसलिए भी हो गई है क्योंकि दबंग भाईजान जो हैं अपनी दबंग गर्ल यानी कि अपनी ऑन स्क्रीन वाइफ यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ दबंग 3 के सेलिब्रेशन से बाहर नहीं आ पाए। सुनकर हैरानी तो आपको होगी लेकिन सलमान खान की दबंग 3 को लेकर नई न्यूज ये है कि सलमान की दबंग 3 का जादू अभी भी बरकरार है, तीसरे हफ्ते के बाद भी बरकरार है। जहां एक तरफ आयाज के जन्म के बाद सलमान खान ने अपनी खुशी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी, सलमान खान ने जहां एक तरफ अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के वक्त अपने आंखों में आने वाले आंसुओं को लेकर भी काफी ज्यादा खुशी शेयर की थी, आपको हम यहां पर बताना चाहेंगे सलमान भाईजान ने बर्थडे पर तो फैंस को खुशखबरी दी ही थी, अब दबंग 3 की रेटिंग को लेकर खबरें हैं ये भी हम आपको बताएं। सलमान सैरोगेसी से पापा बनेंगे ये सलमान खान का खुद का कहना था। सलमान खान जो है पापा बनने के लिए तैयार है, उन्होंने
कहा था कि सलमान भाईजान जो है बहुत ही ज्यादा पापा बनने के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पापा बनने का अब वक्त रह गया है। वैसे सलमान खान के पापा बनने का इंतजार सलमा सलीम सबको है, तो सैरोगेसी के माध्यम से सलमान पापा बनते हैं तो खुशी बहुत ही ज्यादा उनकी मॉम सलमा को होगी, क्योंकि सलमा चाहती है अब सलमान का एक अपना बेटा हो। सैरोगेसी के माध्यम से 2-3 साल में सलमान पापा बन जाएंगे, ये खबर 2 साल पहले आई थी। तो सलमान खान जो है अब 2 साल पूरा हो चुका है और 3रा साल चल रहा है, तो सलमान अपने परिवार को झूमने का मौका सैरोगेसी के माध्यम से पापा बनकर देंगे। वहीं दबंग 3 को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में जानकर सोनाक्षी सिन्हा जो है बहुत ही ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि सलमान जहां पापा बनने के लिए मूड में बने जा रहे हैं, करण जौहर, तुषार कपूर, एकता कपूर के नक्शे कदम चलकर सैरोगेसी का माध्यम अपने भाई सोहेल खान के बेटे युहान के जन्म के बाद दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो कि पापा बनेंगे सैरोगेसी के माध्यम से। तो वहीं सलमान जो है दबंग 3 को लेकर इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि दबंग 3 के बाद रिलीज से पहले ही सलमान ने दबंग 4 का ऐलान इसलिए किया क्योंकि सोनाक्षी उनके लिए लकी चार्म, वाकई में उन्हें फिल्म की रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई मिल चुकी थी दबंग 3 के जरिए। दबंग 3 की रिलीज के बाद बड़ी खबर आई, जैसा कि हमने आपको बताया कि दबंग 3 20 दिन के कलेक्शन को लेकर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 दिन को लेकर खबरें आ रही हैं कि सलमान खान ने दबंग 3 को तीसरे हफ्ते भी बरकरार रखा है। सलमान और सोनाक्षी की रोमांस साई मांजरेकर का बॉलीवुड के पर्दे पर आना, किच्चा सुदीप का विलन अता, प्रभु देवा की डायरेक्टरी पसंद की जा रही है। 20 दिनों में 155.50 करोड़ रुपए की कलेक्शन ये फिल्म कर सकती है, ये खबर पहले थी। और मंगलवार तो ये फिल्म करोड़ों की कमाई करने में बरकरार है, तो धीरे धीरे ये फिल्म जो है अपेक्षा अनुसार अपने रिकॉर्ड को बनाने की कोशिश कर रही है, गुड न्यूज टक्कर दे रही है इस फिल्म को। इसके बावजूद तो सलमान दबंग 3 के जश्न में डूबे हुए इस कदर नजर आए कि उन्होंने ले लिया फैसला कि वो अब जो है पूरी तरह से दबंग 4 में कोई भी फीमेल कोप्स नहीं होंगी, फिर भी वो पर्दे पर दबंग 4 को सोनाक्षी के बिना नहीं लेकर आएंगे। तो भाई सलमान सोनाक्षी तो होंगे ही दबंग 4 में। दबंग 4 के कुछ टीजर्स जो आपको बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर वो टीजर्स काफी वायरल हुए थे दबंग 4 को लेकर। सबका ये कहना था कि दबंग 4 में सोनाक्षी और सलमान का रोमांस 7वें आसमां पर जा पहुंचेगा। बताना चाहेंगे हम आपको दबंग 4 की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अरबाज खान ने भी दबंग 4 को लेकर बहुत ही ज्यादा इंतजार नहीं करने की तरफ ऐलान किया है, क्योंकि दबंग 3 के बाद दबंग 4 से बहुत जल्द जुड़ जाएंगे वो। 4th चैप्टर, दबंग सीरीज के 4th चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सोनाक्षी को फिर से काम मिल रहा है। अरबाज खान ने बताया, दिस टाइम यू विल नॉट हैव टू वेट टू लॉन्ग एज दबंग 4 विल बी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दबंग 3 एंड दिस विल बी डायरेक्टेड। इसे लेकर खबर ये है कि अभिनव कश्यप इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं और वहीं इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर जो आपको बता दे लाया जा सकता है, क्योंकि पहले डायरेक्टर अभिनव कश्यप ही थे दबंग फिल्म के जो कि 2010 में लाए, और 10 साल पूरे होने पर 4th सीरीज को लेकर चर्चा हो रही है कि लाया जा सकता है। बताना चाहेंगे हम आपको इसके लिए सलमान खान शुरू कर चुके हैं स्टार कास्ट की चुनाव में। साई मंजरेकर इस फिल्म में होंगी भी या नहीं इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि सलमान ने साई को लॉन्च कर लिया है, अब उनका फिल्म में कोई काम नहीं। इसके अलावा सलमान के इस फिल्म में आगे की कहानी में सोनाक्षी सिन्हा और उनकी फैमिली प्लानिंग की भी बात हो सकती है। चुलबुल पांडे के किरदार में ये बड़ा बदलाव किया जा सकता है दबंग 4 को लेकर। तो वहीं इसी के साथ सलमान रियल लाइफ में भी पापा बन सकते हैं, रियल लाइफ में दबंग 4 के जरिए पापा बन सकते हैं, ये खबर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। वेल दोस्तों, ये था हमारा बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम सलमान सोनाक्षी की दबंग 3 को लेकर। साथ ही में हमने बात की सलमान सोनाक्षी की फिल्म दबंग 3 के साथ साथ यहाँ पर सलमान खान की फैमिली के एक्सपेंड होने की, यानी कि अपनी फैमिली की आयात के जन्म की खुशी में सलमान ने अपने जन्मदिन पर बीइंग ह्यूमन के शॉप में एक्सक्लूसिव ऑफर निकाले थे, डबल ऑफर निकाला। तो अपने बेटे या फिर अपनी बेटी के जन्म की खुशी में सलमान कितना बड़ा ऑफर देंगे सोचिए जरा, जो बीइंग ह्यूमन के फैंस हैं
सुपरस्टार के फैंस और खान परिवार जो इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये तो हम भी इंतजार कर रहे हैं देखने का सलमान की जिंदगी में आने वाले इस नन्हे से बच्चे का। फिलहाल लेंगे आपसे यहीं पर इजाजत, देखते रहें बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर, तमाम ट्रेंडी न्यूज हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।